हेलो गाइस, आज हम देखेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो हैं मदर में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेनली 1 वीक टू 12 वीक्स तक का जो पीरियड है उसको हमने नाम दिया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरिंग फिटस इन द यूट्रस फॉर अ पीरियड ऑफ 40 वीक्स। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो एक ऐसी स्टेट है जब मदर जो है फिटस को कैरी करती है अपने यूट्रस में 40 वीक्स के लिए। अब यहाँ पे 40 वीक्स ही क्यों बोला है? क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है दैट इज़ ऑफ 40 वीक्स, इसलिए यहाँ पे 40 वीक्स जो है वो बोला गया है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी रहती है नॉर्मली? टोटल ड्यूरेशन अगर हम मंथ में बात करें तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज़ द 9 कैलेंडर मंथ एंड 7 डेज। मतलब 9 मंथ और उसमें हम 7 डेज और ऐड करते हैं। और अगर हम डेज़ में बात करें तो इट इज़ द 280 डेज। तो ये 280 डेज़ की होती है। और अगर हम वीक में बात करें देन इट इज़ ऑफ 40 वीक्स। तो ये 40 वीक्स की रहती है। तो सेम क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में भी हमारे से बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि डेज़ में कितने डेज़ की नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है। तो वहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? 280 डेज़ वाला। और अगर वीक्स में दिया है तो 40 वीक्स वाला। और अगर मंथ में बोला है तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़। नेक्स्ट आता है द मीन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब LMP, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं LMP, दैट इज़ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कब से कैलकुलेट करते हैं? लास्ट जो हमारी LMP है उसके फर्स्ट डे से लेके आगे को हमें 9 मंथ और 7 डेज तक काउंट करके वो टोटल ड्यूरेशन जो है वो बतानी रहती है। नेक्स्ट आता है EDD। तो EDD का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है? जो डॉक्टर मेल फीमेल्स को बताते हैं कि आपकी डिलीवरी की जो डेट है वो ये रहेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फर्स्ट LMP की डेट रहती है, मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट रहती है, वहाँ से 9 मंथ ऐड करके और 7 डेज जो है उसमें आगे ऐड करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे किसी मदर की जो LMP है वो 1 जनवरी को आई है, मतलब 1 जनवरी को उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। तो 1 जनवरी इज़ द डेट, 1 इज़ डेट, जनवरी इज़ द मंथ। तो हम 1 में 7 ऐड करेंगे डे में और मंथ में जनवरी में आगे 9 मंथ करके हम उसकी EDD जो है वो बताएंगे। ये था EDD का एग्ज़ाम्पल, हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसको कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है? उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। सो सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहाँ से काउंट करते हैं? कंसेप्शन टू 12 वीक्स तक। मतलब जब से मदर ने कंसीव किया है तब से लेके 12 वीक तक का जो पीरियड है दैट इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 टू 28 वीक्स तक हम सेकेंड ट्राइमेस्टर को काउंट करते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ 29 टू 40 वीक्स का जो पीरियड रहता है उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को क्या क्या मदर में चेंजेस होते हैं बॉडी में और मदर को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स और साइंस जो हैं उनमें डिफरेंस है। सिम्टम्स होते हैं जो मदर या फीमेल खुद आके बोलेगी कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट आर द सिम्टम्स। वो रहते हैं सिम्टम्स कि मैं ये फील कर रही हूँ। और साइंस होते हैं दैट आर ऑब्जर्व्ड, मतलब जो दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व बाय द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर जो है वो ऑब्जर्व करता है। एग्जामिनर में भी डॉक्टर भी हो सकता है, कोई नर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो जो वो ऑब्जर्व करते हैं दैट आर द साइंस। और सिम्टम्स जो मदर खुद बताती है कि उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहले आता है एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब रहता है एब्सेंस ऑफ द मेंसुरेशन। तो जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो जैसे मदर को नॉर्मल मेंसेस जो रहती हैं वो जब मदर की नेक्स्ट मंथ की मेंसेस मिस होती हैं तो उसका भी ये उसका एक कारण हो सकता है कि मदर जो है मे बी प्रेग्नेंट।
मदर जो है प्रेग्नेंट भी हो सकती है, तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन मदर को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द फटीग। फटीग मतलब एक्सेसिव टायर्डनेस। मदर अगर रेस्ट भी कर रही है बट फिर भी मदर को टायर्डनेस फील हो रही है, तो दैट इज़ द फटीग, कि मेरे को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है। नेक्स्ट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन। फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन मतलब मदर को बार बार यूरिन पास आउट करने की अर्ज हो रही है, या मदर को बार बार यूरिन जो है वो पास करने जाना है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी चेंज हो सकती है मदर की बॉडी की, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मदर जो है वो ज़्यादा थर्स्टी फील कर रही हो और वो बार बार पानी पी रही हो, तो उसकी वजह से भी एक कारण ये हो सकता है कि उसको यूरिन पास आउट करना है। और जो एक और कारण है, अगर हम रिप्रोडक्शन के थ्रू इसकी बात करें, तो जो फीमेल का यूट्रस रहता है वो एंटीवर्टेड रहता है। एंटीवर्टेड रहने की वजह से जो उसका एंटीरियर ऑर्गन है, उसके जब यूट्रस इंक्रीज होगा तो जो उसके एंटीरियरली ऑर्गन्स हैं उन पे जो है वो उनको कंप्रेस करेगा। तो यूट्रस के एंटीरियरली जो है वो ब्लैडर रहता है, तो यूट्रस जैसे जैसे ग्रो होता है वो ब्लैडर को कंप्रेस करता जाता है, तो ब्लैडर कंप्रेस हो जाता है तो ब्लैडर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है, तो इसलिए मदर को मिक्चुरेशन फील होती है। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब नौजिया एंड वॉमिटिंग, जिसको बोलते हैं जी मचलाना। तो मदर को नौजिया एंड वॉमिटिंग भी फील होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे मदर को कोई स्मेल से या फिर कुछ चीज़ से मदर को नौजियाटिक फील होगा और फिर मदर को वॉमिटिंग करने की इच्छा होगी। तो ये मेनली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखा जाता है, बट कई मदर्स में ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। और नेक्स्ट आता है, और ये प्राइमी ग्रेविडा मदर्स में ज़्यादा देखा जाता है। प्राइमी ग्रेविडा मदर मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। मदर्स को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होते हैं, क्योंकि मदर की जो ब्रेस्ट है उसका भी थोड़ा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो मदर को थोड़ी पेन या टेंडरनेस जो है वो भी ब्रेस्ट पे फील होती है। तो ये सब सिम्टम्स थे जो हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, मतलब जो मदर खुद बता सकती है कि जैसे मुझे टायर्डनेस हो रही है, मेरी मेंसेस जो हैं वो मिस हो गई, और मुझे बार बार यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है, मुझे नॉजियाटिक फील होता है, और मुझे ब्रेस्ट में कोई भी पेन है या टायर्डनेस है। तो ये तो थे सिम्टम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइंस। साइंस मतलब जो ऑब्जर्व किए जाते हैं कोई नर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा या फिर एग्जामिनर्स के द्वारा। तो सबसे पहले आता है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। तो आप सबने बहुत टाइम सुना होगा कि मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। तो हम देखते हैं रहते क्या हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो डार्क पिगमेंटेड एरिया इन द निप्पल एंड एरोला। जो निप्पल है और एरोला पार्ट है मदर की ब्रेस्ट का, उसके अराउंड डार्क पिगमेंटेड एरिया जो है वो वहाँ पर हो जाता है, और जो सीवेशियस ग्लैंड रहती हैं एरोला की, वो एट द टाइम वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी रहती हैं, बट नॉन प्रेग्नेंट लेडी में वो इतनी उभर के नहीं रहती हैं, बट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या रहता है, जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपरट्रॉफिक या हाइपरप्लेजिक हो जाती हैं, उसकी वजह से वो वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्म में जो हैं वो बन जाती हैं, उनको ही हम बोलते हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रम एट 12 वीक्स। जो कोलेस्ट्रम रहता है मदर का, अगर हम मदर की ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें मिल्क सिक्रेशन देखने को मिलती है, और जो फर्स्ट मिल्क रहता है जिसको हम बोलते हैं पीला गाढ़ा दूध, उसको ही हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट आता है यूट्रस। तो यूट्रस जो है धीरे धीरे जैसे ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। तो जो यूट्रस है वो 12 वीक तक पैल्विक ऑर्गन ही रहता है, मतलब पैल्विस का ही ऑर्गन रहता है। तो एट 6 वीक पे जो यूट्रस का साइज़ है वो कितना, हैंस एग मतलब मुर्गी के अंडे की तरह हो जाता है। 8 वीक पे क्रिकेट बॉल के साइज़ के जितना वो होता है, और 12 वीक पे वो फीटल हेड और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर की तरह या उतने साइज़ का हो जाता है। तो ये था यूट्रस का जो साइज़ है वो कैसा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैक्यूमर साइंस एंड चैडविक साइन। तो जैक्यूमर साइन और चैडविक साइन एक ही बात है, दोनों को एक
ही साइन को दो नाम दिए गए हैं, जैकमर साइन और द चैडविक साइन। तो जो ब्लूइस डिस्कलरेशन होती है वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल बॉल की एट 8 वीक्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। मतलब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में वहाँ पे जो वेजाइना है उसके जो वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल है वो कैसी हो जाएगी, वहाँ पे डस्की अपीयरेंस और ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो हो जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, चैडविक साइन। उनको नाम दिया गया है चैडविक साइन, एक टर्म है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं गुडल साइंस। गुडल साइन आपने सुना भी होगा, ये सब साइंस जो हैं हम इसको लेते हैं कि साइंस क्या क्या रहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी या जब भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत टाइम पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी एक पूरी टर्म दी रहेगी और बताया नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे कि ये कौन सा साइन है, तो हमें पता होना चाहिए। तो गुडल साइन किसको बोला गया है, जो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होती है एट 6 वीक पे, जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोला गया है, गुडल साइन। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का सर्विक्स रहता है वो कैसा रहता है, फील करने पे वो जो टिप ऑफ द नोज है, टिप ऑफ द नोज़ की तरह हमें फील होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम में वो इतना सॉफ्ट हो गया होता है कि अगर जो एग्जामिनर उसको फील करता है तो वो लिप्स जो रहते हैं लिप्स की तरह सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है, उसको नाम दिया गया है गुडल साइन। नेक्स्ट आता है पिस्केसक साइन। पिस्केसक साइन मतलब असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, जो मदर का यूट्रस है उसकी जो एनलार्जमेंट हो रही है वो असिमेट्रिकल है, मतलब वो सिमेट्री में नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहता है, जो यूट्रस है उसका जो अपर पार्ट है वही ग्रो करता है, अपर पार्ट की ग्रो करने की वजह से जो उसके बाकी पार्ट्स हैं लेटरल पार्ट्स हैं और जो लोअर पार्ट है वो क्या रहता है, एम्पिटी ही रहते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज होती है, फीटस का साइज़ बढ़ता है, उसके बाद यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो जो बाकी पार्ट हैं जो एम्पिटी एरियाज़ हैं उनको भी वो अपने में एकोमोडेट कर लेता है और सिमेट्री जो है वो रिगेन हो जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है। नेक्स्ट आता है ओजिएंडर साइंस। ओजिएंडर साइंस किसको नाम दिया गया है, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8 वीक। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया लेटरल फॉर्निक्स, तो लेटरल फॉर्निक्स क्या होता है, जैसे सर्विक्स जो है वजाइना में प्रोट्रूड करता है तो वहाँ पे चार क्लेफ्ट बनते हैं, 4 क्लेफ्ट वहाँ पे बनते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल, तो उन्हीं क्लेफ्ट को नाम दिया गया है फॉर्निक्स का। तो वहाँ पे अगर हम फील करें तो जो लेटरल फॉर्निक्स हैं वहाँ पे हमें इंक्रीज्ड पल्सेशन जो है वो फील होती है। तो अभी ये साइंस जो हैं हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से साइंस जो हैं क्या रहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड, ये हमने अभी सारा डिस्कस किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, बट जो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो तब तक ये वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।